Hello children, this is Matthew's Gamit here. So today we are going to learn unit number 4. What time is it? What time is it? Time क्या हुआ है? ऐसा मैं आपको नहीं पूछ रहा हूँ. Title का नेम है Time क्या हुआ है. ये lesson में बहुत ही interesting story है जो Rip Van Winkle के ऊपर है, जो एक lazy man होता है, आलसी man होता है, और वो कब सो जाता है उनको पता नहीं चलता, और जब वो जागता है तब क्या होता है, वो बूढ़ा हो चुका होता है. तो ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो बूढ़ा हो जाता है, वो हम ये स्टोरी में देखने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन. एक्टिविटी वन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स, डिस्क्राइब ईच क्लॉक और वॉच. यहाँ पे हमें तीन टाइप की घड़ी दिख रही है जिसमें हमें उनको ऑब्जर्व करना है और उनके बारे में हमें लिखना है. तो पहला है वॉल क्लॉक, राइट, जो वॉल पे होता है, दीवार पे होता है. तो उनके बारे में हम क्या लिखेंगे. दिस इज अ वॉल क्लॉक, इट इज राउंड, इट हैज एन आवर हैंड, अ मिनट हैंड एंड अ सेकेंड हैंड. दूसरा है पेंडुलम क्लॉक. पेंडुलम क्लॉक मतलब जो हम पुराने टाइप के जो घड़ी होती है, बहुत टाइम पहले हम यूज़ करते थे, जिसमें जो पेंडुलम होता है ऐसे लटकता हुआ लेफ्ट राइट लेफ्ट होता रहता था, राइट, और हर घंटे में वो टन टन बजता था, आपको याद होगा. तो ऐसे घड़ी अभी नहीं यूज़ करते, अभी डिजिटल आ गई है. तो उनके बारे में हम क्या लिखेंगे. दिस इज़ अ पेंडुलम क्लॉक, इट इज़ big and long, it has an hour hand, a minute hand and a seconds hand, it has a big pendulum in it, the pendulum swings from left to right. उसके बाद है third, wrist watch. wrist watch हर एक के पास होता है जो हम हाथ के ऊपर हैंड के ऊपर बांधते हैं, उनको wrist watch बोलते हैं. तो उनके बारे में हम क्या लिखेंगे. This is a wristwatch. It is small and round. It has an hour hand, a minute hand and a seconds hand. It is tied on the wrist. इनको हाथ पे ऊपर हम बांधते हैं. ओके, चलो आगे देखते हैं. नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं. Discuss the following question with your teacher and friends. यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिए, वो हमें सॉल्व करने हैं. तो पहला क्वेश्चन है, How many hands does a watch usually have? Name them. यहाँ पे पूछा है कि एक कॉमन घड़ी होती है उसमें कितने हैंड्स होते हैं, उनके नेम देने हैं. तो हम लिखेंगे कि a clock usually has three hands, an hour hand, a minute hand and a seconds hand. Then second, what kind of clock and watches do you have at your home? कौन से टाइप के क्लॉक्स और वॉचेस आपके घर में हैं आपके पास. तो हम हमारे घर में जितने टाइप की घड़ी है वो यहाँ पे लिख देना है. तो हम कैसे लिखेंगे. आई हैव वॉल क्लॉक्स, अलार्म क्लॉक्स एंड रिस्ट वॉचेस एट होम. उसके बाद है थर्ड नंबर, डू यू हैव अ वॉल क्लॉक इन योर क्लासरूम. क्या आपके पास जो दीवार घड़ियाल होता है वो आपके पास है. तो है तो हम लिखेंगे यस, We have a wall clock in our classroom. हमारे क्लास में वॉल क्लॉक है. उसके बाद आगे देखते हैं. एक्टिविटी टू, रीड द स्टोरी. रिप वैन विंकल, यहाँ पे पिक्चर में दिया है वो कौन है. रिप वैन विंकल है, वो एक शिकारी है लेकिन आलसी है. चलो उसके बारे में हम देखते हैं. रिप वैन विंकल वॉज अ लेजी मैन. ही वुड ऑफन गो ऑफ इन टू द फॉरेस्ट with his dog Wolf to hunt for rabbits and squirrels. Rip Van Winkle एक lazy man है, वो आलसी man है जो क्या करता है, शिकार करने जब भी जाता है तब वो अपने साथ एक कुत्ता और wolf को लेके जाता है, और वहाँ से वो rabbit और squirrel जैसे जो animals होते हैं उनको hunt करके वो लाता है. He would go round and hunt small animals. और वो जंगल में जाता है और छोटे छोटे animals को वो शिकार करके लाता है. वन डे रिप हेल्प अ स्ट्रेंज ओल्ड मैन.
carry a barrel to a clearing where several others were playing a game. एक दिन रिंकू वैन विंकल क्या करता है, एक बुजुर्ग आदमी होता है, मतलब बुढ़ा होता है, उनको वो हेल्प करता है। वो एक बैरल लेके जा रहा होता है, बैरल मतलब जो पानी भरने वाला है, कुछ भी हम लिक्विड रखते हैं, बड़ा सा टब जैसा होता है, उनको हम बैरल बोलते हैं। तो वो एक दूसरे से दूसरी जगह पे वो ले जा रहा था, तो उनको वो हेल्प करता है और बाकी जो है वो गेम खेल रहे होते हैं। रिप हैड सम ऑफ द पिंक वाटर फ्रॉम द बैरल अलोंग विथ हिज कंपेनियंस। और यहाँ पे लिखा है कि जो बैरल वो ले जा रहा था, उनका जो साथीदार था, मतलब वो बुढ़ा था, उनके वहाँ से वो थोड़ा सा रिप एंड विंकल भी ले लेता है, पिंक कलर का वाटर होता है। सून ही फेल स्लीप, और वो थोड़ी देर में तुरंत वो सो जाता है। व्हेन ही अवॉक ही वॉज अलोंग, जब वो जागता है तब वो अकेला ही होता है। हमने देखा कि उनके आजू बाजू कुछ लोग खेल रहे थे, लेकिन वो जब जागता है तब कोई भी उनके वहाँ नहीं होता, वो जस्ट अकेला ही होता है। रिप लुक्ड फॉर हिज गन, और तुरंत रिप वैन क्या करता है, वो उनकी जो गन है उनको देखने लगता है। टू हिज सरप्राइज इट वॉज कवर्ड इन रस्ट, और वो जब भी उनको गन को देखता है तब क्या देखता है, वो सरप्राइज हो जाता है कि वो उनकी जो गन है वो रस्ट से कवर हो चुकी है। मतलब पुरानी चीज़ें लोहे की हम डाल देते हैं, बहुत सालों के बाद ऐसे ही पड़ी होती तो वो रस्ट से कवर हो जाती है, राइट। फीलिंग कंफ्यूज एंड हंग्री रिप हेडेड फॉर हिज विलेज, रिप वैन कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, और उनकी भूख भी लगी होती है तो वो अपने विलेज की ओर जाने लगता है। When he reached there, people gathered around him, staring at his tattered cloth and long grey beard. और जब वो वहाँ पे गांव पे पहुँचता है तब वो देखता है कि वहाँ के जो पीपल है, वहाँ के जो लोग हैं, वो उनको staring मतलब उनको देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं उनको देखने के लिए कि वो उनका जो वेश है वो कैसा है। अभी उनके कपड़े हैं वो फटे हुए हैं, और उनकी जो दाढ़ी है वो बहुत ही लंबी और ग्रे कलर की हो चुकी है, तो उनको लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये कहाँ से उठ के आ गया। रिप सो अ यंग वुमन हु लुक्ड लाइक हिज वाइफ, और रिप वैन विंकल कहता है कि उन्होंने एक वुमन को देखा, एक यंग लेडी को देखा उन्होंने, वो कैसी दिख रही थी, उनकी वाइफ जैसी दिख रही थी। ही आस्क हर हु सी वॉज, और वो उनको पूछता है कि वो कौन है। सी टोल्ड हिम हर नेम एंड सेड हर फादर हैड लेफ्ट द हाउस 20 years अगो विथ हिज डॉग एंड हैड नेवर बीन सीन अगेन, और वो अपना नाम बताती है और उनको कहती है कि उनके पापा 20 साल पहले एक कुत्ते के साथ वो चले गए, वहाँ से कभी वो दिखे ही नहीं। आई एम योर फादर, क्राइड रिप जॉयफुली एंड टोल्ड देम ऑल हाउ ही हैड बीन अस्लीप फॉर द लास्ट 20 years, और वो बहुत ज़ोर से चिल्ला के उनको कहता है कि मैं आपके पापा हूँ, जो आपके पापा 20 साल पहले कुत्ते के साथ चले गए थे और दिखे नहीं थे, वो मैं ही हूँ। ऐसे वो उनको बताता है बहुत जॉयफुली, मतलब बहुत आनंदित होकर वो बताता है, और कहता है कि कैसे वो सो गया था 20 साल तक और कैसे वो फिर से उठ के आया है। तो ये स्टोरी थी। उसके बाद ए लिखा है फिल इन द डिटेल्स, यहाँ पे हमें दो कॉलम दी है जिसमें पहली कॉलम में लिखा है नेम ऑफ द कैरेक्टर, कैरेक्टर के नेम लिखने हैं, और सेकंड में व्हाट्स ही डिड, और उन्होंने क्या किया स्टोरी में, क्या किया स्टोरी रिलेटेड है। तो हम देखते हैं स्टोरी में कि तीन कैरेक्टर्स हैं, उनके नेम लिखेंगे। पहला रिप वैन विंकल जो हंट करता था, राइट, और दूसरा हम लिखेंगे एन ओल्ड मैन, और तीसरा हम लिखेंगे जो रिप्स की डॉटर उनको पूछ रही थी, बोल रही थी वो, तो उनका क्या किरदार है वो भी हम लिखेंगे। द रिप वैन विंकल ही हंटेड स्मॉल एनिमल्स, उन्होंने क्या किया, एनिमल्स को हंट किया, शिकार किया। देन एन ओल्ड मैन ही हैड अ बैरल ऑफ पिंक वाटर, जिसके पास क्या था, एक बैरल था उसमें पिंक कलर का वाटर भरा हुआ था। उसके बाद रिप्स डॉटर जो उनको मिलने आई थी, राइट, तो सी टोल्ड अबाउट हर फादर रिप, वो उनके पापा के बारे में बताती कि वो 20 साल पहले चले गए थे उनके कुत्ते के साथ, अभी दिखे भी नहीं, तो वो हम लिखेंगे।
उसके बाद नीचे लिखा है, इमेजिन यू आर रिक वैन विंकल, टेल योर स्टोरी टू द क्लास। हमको ऐसा इमेजिन करना है कि मैं रिक वैन विंकल हूँ और मैं क्लास को स्टोरी बता रहा हूँ। तो ये जो पूरी स्टोरी है उसमें हमें क्या करना है, जहाँ पे भी रिक वैन विंकल का नेम है और ही है, वहाँ पे आई आई लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल पहला सेंटेंस है, रिक वैन विंकल वॉज अ लेजी मैन, तो हमें क्या लिखना है, आई एम रिक वैन विंकल, पीपल से दैट आई एम लेजी मैन, ऐसे हमें लिखना है। फिर आई ऑफन गो ऑफ इन टू द फॉरेस्ट, ऐसा लिखना है। यहाँ पे ऐसा लिखा, ही वुड ऑफन गो ऑफ इन टू फॉरेस्ट, लेकिन हमें क्या लिखना है, आई ऑफन गो ऑफ इन टू द फॉरेस्ट, ऐसा लिखना है। बराबर, जहाँ पे रिक वैन में है यहाँ पे हमें आई लगा देना है, तो हम स्टोरी कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा। ओके,